वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इस वजह से क्योंकि एक नया सवेरा है। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब है वर्ल्ड हेल्थ डे का? इसका मतलब है हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अपनी जनरेशंस को स्वस्थ करना है, हमें अपने भारत को स्वस्थ करना है। एक बहुत बड़ा भार पैसों का सिर्फ हेल्थ पर जाता है। अगर हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक कर सकें, तो हम उस भार को भी कम कर सकते हैं। हमें ये सोचना है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी बनाएं और अपने आप को कैसे हेल्दी बनाएं। डॉक्टर के पास हमें क्यों जाना है किसी बीमारी को लेकर? हम क्यों नहीं जा सकते प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर के पास, अपने चेकअप्स के लिए? तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम डॉक्टर को विजिट करें जब हम हेल्दी हैं, चेक करवाएं और स्वस्थ बने रहें। प्लीज रिमेंबर ABCD ऑफ योर हेल्थ। ए स्टैंड्स फॉर अवेयर ऑफ योर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बी मींस बीवेयर ऑफ योर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सी स्टैंड्स फॉर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इफ यू हैव एनी रिलेटेड इश्यूज, प्लीज टेक रेगुलर मेडिसिंस। बी टेक प्रिकॉशंस फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। And D means if you have any illness, dare to live with that illness, face it bravely, take care regularly, and you will have a happy, healthy life. Nowadays, lifestyle-related disorders like diabetes, high blood pressure, high cholesterol have become very common, and you can save yourself from these problems by following healthy lifestyle. Like go for regular exercise at least 5 days a week, 30 minutes daily, and eat only healthy food, avoid junk food. And also go for regular screening of these problems. If you are 30 years old or older than 30 years, go for annual checkup every year or alternate years. On the occasion of World Health Day, first of all, I would like to wish everyone a healthy and happy life ahead. As a urologist, it is my duty to apprise everyone about kidney health on the occasion of World Health Day. In this regard, the first point I would like to make is that please keep yourself well hydrated, have adequate amount of water and other liquids during the day on a regular basis. Also, avoid having added salt or extra salt in your diet. Always have balanced diet. If you are diabetic or hypertensive, please keep your blood pressure and blood sugars under good check. And also I would like to add, it is essential to have a regular health checkup. Especially I would advise a hospital-based health checkup instead of a lab-based health checkup in this regard, because at a time when the disorder is reflected in the report, it is usually quite late. विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के सभी निवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। एक स्वस्थ समाज ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि बीमारी से होने से पहले ही हम उसका बचाव कर सकें। एक अच्छी जीवन शैली अपना कर हम, जिसमें हमारा खान पान ठीक से रहे और हम उसमें व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और पर्यावरण को साफ रखें, ऐसा करके हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं, पर्यावरण को साफ रखें और एक स्वस्थ समाज को का सपना साकार करने में हमारी मदद करें।